तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइटलर ऑफिशियल। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बता दिया था कि भाई या तो मैं काइट कलेक्शन के ऊपर आज की वीडियो लेकर आऊँगा या फिर मांजा रिव्यू के ऊपर। तो देखिए, आज की वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ मांजा रिव्यू के ऊपर। और देखिए, हमारे पास ये रही भाई 6 रील की एक चरखी रही मांझे की। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना। मैं पूरा किस मेकर की चरखी है, कौन सा इनका व्लॉग है और किस रेट का मांजा है, कौन सी डोर है, पूरा आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहना, वरना बाद में आप कमेंट करोगे कि भाई रेट बता दो, रेट बता दो। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहना। तो भाई ये जो मांझा है, ये है आपका नासिर भारती का। नाम तो सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो भाई देख लो, ये है नासिर भारती का। और नीचे देखो इनका मोबाइल नंबर और एड्रेस सब लिखा है। तो अभी मैं पूरा बताऊंगा वीडियो में। और एक चीज़ और, जो ये चरखी है भाई 6 रील की चरखी है, और इनके काफ़ी सारे व्लॉग आते हैं जिसमें से एक व्लॉग ये है। और भाई नासिर भारती को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है, क्योंकि इसी नाम के बहुत सारे मांजा मेकर हैं, जिसमें से सबसे पहले आते हैं भाई, एक है मेहताब भारती, फिर एक अखिल भारती भी हैं। तो सब भारती हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। और नासिर भारती के भी दो हैं, नासिर भारती नाम के भी दो शायद मेकर हैं, जिसमें से मेरे पास जो नासिर भारती हैं वो ये वाले हैं भाई। फ़ोटो आप देख लो, और इनका जो अड्डे हैं वो हैं भाई मिनी बाईपास के पास। तो मेरे पास ये वाले नासिर भारती हैं। तो अभी इनका मंजे को मैं करता हूँ अनरैप, और फिर आपको दिखाता हूँ कि भाई क्या क्वालिटी है मंजे की। तो देखते रहो वीडियो को। तो भाई यहाँ पे मांजा मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये यही आवाज़ सुननी थी भाई। तो अभी इस मांजे को मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि भाई कौन से कलर का ये मांजा है। खुल जा खुल जा। तो ये देखिए भाई, जो मांझा निकला है एकदम डार्क ग्रीन कलर का है। और ये देखिए, नासिर भारती मांझा मेकर लिखा है साफ साफ। और देखो, इनसे मैंने कहा था कि भाई ग्रीन कलर लगाना, तो मुझसे मेकर ने कहा कि भाई इस समय मैं हल्का ग्रीन तो नहीं लगा सकता, क्योंकि थोड़ा बारिश का सीज़न आने वाला है, फिर आगे चल के जाड़े भी आ जाएंगे, तो मैं डार्क कलर लगा दे रहा हूँ, थोड़ा ग्रीन में डार्क। तो यार, मैं भी मेकर से ज़्यादा आप बहसबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाई चांस आपका मांझा नहीं लड़ा ना, तो मेकर साहब कह देगा कि भाई मैंने आपसे पहले ही कहा था ये वाला कलर मत लगाओ। तो मैंने कहा भाई जैसा आपको सही लगे वो कलर लगा दो आप, लेकिन मांझा लड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा सही है भाई, मैं ग्रीन लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा उसमें डार्क कर दूंगा ताकि मांझा अच्छे से लड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा है साफ साफ नासिर भारती स्पेशल मैदानी मांझा। और नीचे देखो आर्टिकल 123 की यहाँ पे ये भी लगी है। और इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट देखने वाली है कि यहाँ पे जो ये है ना होलोग्राम, यही ओरिजिनल की पहचान होती है 123 की। मुझे एक आध मेकर ने बताया कि भाई जब भी आप देखो तो होलोग्राम जरूर देख लिया करो। तो यहाँ पे ये रहा मांजा। तो अब देखो, मैं यहाँ पे आपको मांजा निकाल के थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसा ये मांजा है। तो ये देखो भाई, छल्ले देखो आप, निकलते चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। और जबकि अभी थोड़ा नमी का मौसम है, तो देखो छल्ले ये रहा है। और छल्ले अल्ले तो भाई मैं तो मानता नहीं हूँ, मेरा तो सीधा से एक रूल है कि मांजा लड़ना चाहिए, चाहे मांजा देखने का कैसा हो, अगर मांजा लड़ रहा वही मांजा बेस्ट है। देखने को तो कारीगर ऐसे ऐसे मांजा बना देते हैं और फिर बाद में वो मांजा लड़ते भी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जो यार, इनसे एक के मैंने नासिर भारती से कहा था कि भैया मुझे बल्ब खुला हुआ मांजा चाहिए, लेकिन इन्होंने मुझे बल्ब खुला हुआ तो भाई मांजा नहीं दिया है। अब जो भी उनका रीज़न रहा होगा उसके पीछे का, फिलहाल मुझसे इन्होंने कहा था कि भाई हाँ मैं बल्ब खुला हुआ दे दूंगा, लेकिन मुझे बल्ब खुला हुआ मांझा नहीं मिल पाया। चलो वो कोई बात नहीं है, लेकिन भाई मांझा जो भी दिया है इन्होंने, लड़ना चाहिए मांझा। और अभी मैं आने वाली वीडियो में इस मांझे की टेस्टिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और जहाँ तक ये मांझा तो मैं मैदान से ही लड़ाऊंगा, तो उसका भी मैं रिजल्ट बताऊंगा कि मैदान में इस मांझे ने कैसा रिजल्ट दिया है। और एक चीज़ मैंने और डिसाइड करी है, अब मैं जो भी नया मेकर को अगर मैं ट्राई करूँगा ना, तो सबकी मैं 6 रील की चरखियाँ लूँगा, क्योंकि 12 रील में कोई फ़ायदा नहीं है। 12 रील की आप ले लेते हो बाद में मांझा अच्छा ना निकले, तो 6 रील की चरखी बेस्ट है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मांझा थोड़ा पास से। अब देखो कैमरे में इतनी बढ़िया क्वालिटी तो नहीं आपको दिख पाई जो आप हाथ में लेके पता कर सको या महसूस कर सको, लेकिन जितना आपको दिख रहा है, मेरा काम है कि आपको मांझे के बारे में बताना, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये रहा भाई कुछ ऐसा ये मांझा है। अगर मांझे की सुताई की बात करें, मांझे में सुताई एकदम बेहतरीन है, सब जगह एक सा काम है। लेकिन यार, मेकर ने उससे पहले कहा कि भाई आपको बल खुला हुआ दे दूंगा बना के, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं दिया, तो थोड़ा यार दिल दुखता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब मांझे को मैं आपको हाथ में लेके दिखाऊं, तो देखो मांझा जो है ना ही ज़्यादा मोटा है ना ही पतला है, मांझा जो है एकदम मीडियम मांझा है।
जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, मांजा मीडियम है, ज़्यादा बारीक भी नहीं कहूँगा मैं इसे और मोटा भी नहीं कहूँगा, मीडियम मांजा है। और जो मांजे का सुताई है, सुताई बढ़िया है मांजे की। और मांजे में अगर मैं देखूँ मांजे में धार, तो ये मांजा थोड़ा नरम है। एक मांजा होता भाई कड़क मांजा होता है, लेकिन ये उसमें का कड़क नहीं है, ये एकदम नरम मांजा है और स्मूथनेस के साथ हल्की सी धार है। मतलब अगर मैं इसे एक शब्द में कहूँ तो मांजा स्मूथ मांजा है, जो फंसा के लड़ाने के मतलब का होता है, जहाँ तक तो मुझे तो यही लगता है। बाकी मैं लड़ा के आपको बताऊँगा कि मांजा कैसा लड़ रहा है ये। तो देखो ये था इनका मांजा, मैंने आपको मांजा दिखा दिया। मांजा स्मूथ मांजा है, जो कि आप अगर फंसा के लड़ाते हो शायद ही फंसा के ज़्यादा बेटर वर्क करे, खींच का मुझे नहीं पता। और यार मुझे जो मांजा पसंद आता है ना, जैसा कि मैंने बता दी मैं खींच के भी लड़ाता हूँ, तो मुझे एक होती है ना जो खड़ी धार होती है, वो मुझे खड़ी धार बहुत पसंद है। लेकिन कोई नहीं, मांजा ये भी बढ़िया है, अच्छा मांजा है। और देखो मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ फंसा के पेड़ लड़ाने में, क्योंकि खींच के मुझे पसंद है, तो मुझे खड़ी धार वाला मांजा एक बार में पसंद आता था। लेकिन ये भी मांजा अच्छा है, खड़ी धार तो नहीं है इसमें, स्मूथनेस के साथ हल्की सी धार है, जो कि फंसाने के लिए बढ़िया रहेगी मेरे ख्याल से। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि स्मूथनेस के साथ हल्की धार है तो कैसा ये मांजा है। और मांजा भी थोड़ा नरम है ये मांजा, क्या होता है ये अभी थोड़ा मतलब नमी है मौसम में, मैं सुबह के टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, इस मारे ये नरम है, या धूप में रख के कहता है सही हो जाए। और जहाँ तक ये मांजा जो लड़ेगा ना, एकदम कड़ी धूप में लड़ेगा, क्योंकि उस समय जो नरम मांजे होते हैं ना, वही नरम और स्मूथ मांजे लड़ते हैं। तो अब बात करें इस मांजे की भाई कॉस्ट की, तो ये जो है मैंने इनका जो व्लॉग लिया है, इसका रेट है भाई 1600 रुपये का 12 रील, और मैंने इनकी 6 रील की चरखी ली है, तो ये मुझे पड़ी है 800 रुपये की 6 रील। इसके बाद जो इनका आता है 1800 वाला आता है, 1800 के बाद इनका 2000 या 2200 वाला आता है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जो मेकर होते हैं उसके सबसे कम रेंज का आप लेके देखो, अगर मेकर कम रेंज में मेहनत कर रहा है, जो उसके कम रेंज के व्लॉग हैं उसमें अगर वो मेहनत करता है, तो यार जाहिर सी बात है कि वो हाई रेंज में तो डबल मेहनत करेगा। इसलिए ज़्यादा हाई रेंज में आप मत जाया करो, 1800 के अंदर मांजे ट्राई करो, बढ़िया मांजे मिल जाते हैं, जेन्युइन पर्सन से लो, बढ़िया मांजे आपको मिलेंगे। और देखो ये जो मेकर है भाई, काफ़ी पुराने मेकर हैं ये भी, और अच्छा खासा इनका नाम है, तो मांजा इनका भी बढ़िया होगा। फिलहाल मैं आने वाली वीडियो में इसकी रिव्यू की वीडियो आपको दे दूँगा। तो अब देखो आप रेट मुझसे मत पूछना, ये मुझे चरखी पड़ी है 800 रुपये की 6 रील, बरेली का हूँ मैं, तो मुझे 800 रुपये की 6 रील पड़ी है। अगर आप बाहर कहीं मंगाते हो शायद ये इसमें कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा इंक्लूड करेंगे ये, तो आप बात कर लेना, ये सब नंबर वंबर मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना पता हमारे दोस्तों में, और कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि भाई किस किस को इस मांजे की टेस्टिंग की वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।